मैं मदद करता हूँ उनको सोशल मीडिया पे लोगों को लाने की, उनको आवाज़ बनाने की, उनको लीड कराने की, उनको कनेक्ट कराने की कि कुछ नहीं होता, हम सारे साथ हैं तुम्हारे। जैसे समंदर में अगर नहाने जा रहे हैं और हाथ पकड़ के जाएंगे तो लोग उतर जाएंगे, वरना दूर से डरते रहेंगे कि नहीं भाई डूब जाएंगे सब। कोई नहीं डूबेगा, लोग तैरते ही हैं उसमें। सवाल है कि हमें यही नहीं पता कि हमने करना क्या है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो मैं उनको बोलता हूँ कि हमें रिक्शे में बैठ के, रिक्शे वाले को बोलते हैं यार सिग्नल तक चले चलो, मैट्रिक कर लो ना फिर सोचेंगे, इंटर कर लो ना फिर सोचेंगे, मास्टर तो कर लो फिर सोचेंगे। तो ये 97% ऑफ द प्लानट का प्रॉब्लम है, वो नहीं सोचता कि बचपन से क्या करना है। कुछ लोग होते हैं, बेटा आपने डॉक्टर बनना है, बेटा आपने इंजीनियर बनना है, बेटा आपने आर्मी में जाना है, देते हैं। हमारा जो बेसिक है कोर, वो है कि पाकिस्तान के रोड, बिजली, पानी, गटर प्रॉब्लम कब ठीक होंगे? आप मुझे बता सकते हैं पानी के लिए कौन साहब हैं जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए सुबह शाम? एक आदमी का नाम बता दो। 240 मिलियन में एक आदमी का नाम हम नहीं जानते जो कहे कि मैं पाकिस्तान से पानी का प्रॉब्लम हल करना चाहता हूँ। आप जानते हैं? तो हमारे स्कूल में एक लिस्ट है 120 चीज़ों की, गटर, पानी, जॉब्स, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर, आप में से एक का नाम चूज़ करना है। आपका नाम क्या था? दिलशाद। गटर वाले बनेंगे आप, और आपका जॉब है कि अगले 7 साल तक आप जो भी गटर से रिलेटेड लोग हैं उनसे दोस्ती करेंगे, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, हर एक से। और आप रोज़ाना चर्चा करेंगे, जी मैं गटर का काम ठीक करना चाहता हूँ। आप उसको कुछ भी नाम दे दें, सैनिटेशन नाम दे दें, पानी बोल दें, सोलर बोल दें। मैं तहिया करता हूँ, वादा करता हूँ कि अगले 20 साल तक मैं सोलर का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में हर आदमी के घर में सोलर हो, मैं वादा करता हूँ अपने आप से, दुआ करता हूँ उसके लिए, दैट्स ऑल। उसके बाद अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे ना। हम अगर रोड पे जाके किसी को कहें यार कुछ खाना है, तो वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बता देगा, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो। लेकिन मैं जाके बोलूँ मुझे तो शावरमा खाना है जो शारजा में सबसे अच्छा हो, तो मुझे बता देंगे 3-4 दुकानें, यहाँ चले जाओ। बिल्कुल इसी तरह हम ये वाला वाली का हमारा कॉन्सेप्ट है। आपका वाला क्या है बेटा, इनका है कोई, आपका कोई वाला है? आईटी वाला है। तो ये पहले साल हम इनको कहते हैं जो मर्जी चाहो कर लो, दूसरे साल अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, मैं पर्सनली बैठ के उनके साथ उनका वाला डिसाइड करवाता हूँ। और वाला ढूंढने का आसान तरीका है कि आप किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा पैशनेट हैं। अगर मैं आपको अलादीन का चिराग दे दूँ तो आप क्या 3 चीज़ें मांगेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन आ जाए तो कौन सी मिनिस्ट्री मांगोगे? और तीसरा सवाल कि अगर $10 मिलियन मिल जाए तो क्या करोगे? ये टिपिकल स्कूल नहीं है। हमारे 3 गोल हैं। गोल नंबर 1, 10 मिलियन लोगों की इम्पैक्ट लेकर आना है, इस मुल्क की आबादी से ज़्यादा लोगों पर इम्पैक्ट लेकर आना है। गोल नंबर 2, अपनी फैमिली के लिए 20 साल की अगले 10 साल में $1 मिलियन, $28 करोड़ रुपये कमाने हैं, सिखाऊंगा मैं। गोल नंबर 3, दुनिया के टॉप 20 लोगों में शामिल होना गटर ठीक करने वालों के, मैं सैनिटेशन का जो अवार्ड है तुम्हें मिलना चाहिए। ये 3 गोल में अगर आपका बच्चा फिट आता है, आप फिट आते हैं तो आ जाएं, नहीं आते तो इतने सारे स्कूल हैं। मैंने तो सिर्फ 1000 बच्चे पढ़ाने का अपने आप से प्रॉमिस किया, दैट्स ऑल। मैं कोई इससे ज़्यादा एक इंसान हूँ कैसे कर सकता हूँ? तो बाकी आप लोगों को जैसा सही लगे वैसा करें। इस वक्त दुनिया में ह्यूस्टन में मेरे कज़न जाते हैं, वो डॉक्टर के बच्चों का हाई स्कूल है, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, बचपन से हाई स्कूल से ही डॉक्टर के लिए ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्कूल, $120,000 a year. So people can go choose that. मैं तो बहुत specialized एक काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, and it's again open source का मकसद यही है कि मैं vulnerable हूँ, मैं गलतियाँ करूँगा, definitely करूँगा, और आप मुझे बताएंगे कि ये बहुत गलत कर रहे हो। थोड़ी गलती करने की मैं आप सबसे इजाज़त मांग रहा हूँ कि आपके मुल्क में 27 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो किसी स्कूल नहीं जाते, उसमें से 1000 मुझे दे दें बस। जैसे मदरसों में पढ़ रहे हैं, जैसे डिफरेंट जगहों में पढ़ रहे हैं, उसमें से 1000 मुझे दे दें, या स्पॉन्सर कर दें, या अपने दे दें, या आप खुद आ जाएं। लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। कब तक रोते रहेंगे कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कब तक रोएंगे? काम करते हैं, फेल हो जाएंगे तो अल्लाह मियाँ के पास आखिरी दिन बोल तो सकेंगे ना, अल्लाह मियाँ बहुत ट्राई की थी, नहीं आओ तो आप ही ने तो कहा था, आप पता नहीं हो सकता, आपके बगैर आपने इजाज़त ही नहीं, तो कैसे हो? ये तो बोल सकेंगे ना, अभी तो नहीं बोल सकते। अभी तो कह रहे हैं यार वो इमरान खान ने नहीं किया था, हम क्या करें, हमने तो वोट दे दिया था।
दैट्स आई थिंक अ रॉन्ग अप्रोच. हमें तो अपनी कब्र में जाना है, उसके लिए इंतज़ाम करना चाहिए. जी बॉस, सबसे बड़ा है रोग, बस यही रोग है. इसी के चक्कर में यार क्या बताएंगे, कौन से स्कूल से पढ़ा था बच्चे ने, कुछ किया ही नहीं, टाइम ख़राब हो गया उसका. सो सबसे बड़ा यही रोग है ना उनके लिए, जो ऐसे स्कूल में आना चाह रहे हैं कि जिसमें कुछ सिस्टम. हमने एकेडमी बनाई है, आप अपना स्कूल पढ़ाते रहें, मैट्रिक कराएं, GED कराएं, ओ लेवल कराएं, 2 से 4 घंटे के लिए हमें बच्चा देना चाहें तो दे दें. और मैं उनके साथ काम नहीं करता, वो एक सेपरेट, एक वही सारी चीज़ें IT वाली हम कह रहे हैं आप पढ़ा दें. आपका नाम? ओके, नाम लगाओ. या, जी तो आप सुना रहे हैं, ज़बरदस्त भाई. गोल्ड का काम कराना हो तो हाजिर हैं. सो हम GED कराएंगे लोगों को. GED होता है जनरल एजुकेशन डिप्लोमा, अमेरिकन हाई स्कूल होता है, इक्वलेंसी. 4 पेपर होते हैं उसमें, सिर्फ इंग्लिश, सोशल स्टडीज़, साइंस और मैथ्स. और वो आप एग्ज़ाम देते हैं, 16 साल की उम्र होनी चाहिए और आपको 12वीं का सर्टिफिकेट मिल जाता है. अमेरिकन हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो इक्वलेंट होता है पाकिस्तान के इंटर के हिसाब से. अगर आप किसी भी शहर से हैं, कराची आ जाएं, मैट्रिक आपने पढ़ना भी नहीं आता, आपको पास हो जाएंगे. आपको अगर डिग्री का बहुत शौक है, आपको जो डिग्री चाहिए मुझे बता दें, $100 भिजवा दें, मिल जाएगी. अगर आपको डिग्री चाहिए, अगर आपको इल्म चाहिए, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ आप दुनिया का स्मार्टेस्ट. बिल गेट्स को यहाँ खड़ा कर दें, उससे कहें ये बताओ 4 साल के बाद दुनिया कैसी होगी, नहीं बता सकता. तो आपको अगर ये नहीं मालूम दुनिया कैसी होगी, तो आप किस दुनिया के लिए लोगों को तैयार करें? मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए तैयार कर रहा हूँ कि जैसा भी टाइम आएगा बेटा, बोलना आना पड़ेगा, सुनना आना पड़ेगा, कंप्यूटर चलाना आना पड़ेगा, उसमें अच्छा होना आना पड़ेगा, अपनी बात समझाना आना पड़ेगा, अपना प्रॉब्लम सॉल्व खुद करना पड़ेगा. इसके लिए तैयार हो जाओ. खाना पकाना आना पड़ेगा, कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना, अम्मा ख़राब कर देती, खाना ही नहीं पकाने देती. बाथरूम धोना आना पड़ेगा, मैं वो करवाता हूँ. मैं योगा करवाता हूँ, मेडिटेशन करवाता हूँ, टाई ची करवाता हूँ कि फ़िज़िकल बॉडी फिट हो. अगर वो सब ठीक है तो बाकी हम कुछ ना कुछ रास्ता अपना बना ही लेते हैं. हमारा फोकस इनके ऊपर है. फिर मैं बताऊँगा 3 गोल्स हैं, 10 मिलियन लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट डालना है, पॉजिटिव ईदी साहब की तरह बनना है, और उसी काम से बिज़नेस शुरू करना है, जाके तुम्हारे फैमिली के पास 28 करोड़ रुपये आ जाएँ कम से कम. 28 करोड़ इज़ अ वेरी रीज़नेबल अमाउंट. बहुत टाइम लगता है बनाने में, आई एम श्योर यहाँ बहुत सारे ने बनाया होगा, लेकिन टाइम देखें कितना लगता है. मैं हाई स्कूल में कह रहा हूँ, हाई स्कूल के अंदर ही बना लेंगे यार, खेल खेल में बना लेंगे. दैट्स वॉट वी आर ट्राइंग टू डू. मैं आपको गारंटी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जो मैंने 25 साल में सीखा है वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम. मेरे अपने बच्चों ने नहीं कमाए क्योंकि वो बात नहीं मानते. आपके बच्चे आपकी बात मान लेते? अभी आपने बोला आपकी बेगम भी नहीं मानते, उनको भी समझाना पड़ेगा. तो घर वालों को समझाना सबसे मुश्किल काम होता है, अपने बच्चों को समझाना भी सबसे मुश्किल काम होता है. जो समझ लेगा, अगर मैं दीन पे चलूंगा, रास्ता फॉलो करूंगा तो पहुंच जाएगा, नहीं तो नूह अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को नहीं समझा पाए. तो मैं तो मुआज़ा नहीं कर सकता, मैं एक टीचर हूँ, टीच कर सकता हूँ उसको जो सीखना चाहे. डिग्री की तलाश वालों के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, प्लीज़ उधर जाएँ. अगर हाफ़ज़े का इम्तहान है तो फिर हाफ़ज़े के लिए बादाम खाएँ, जो जो उसके तरीके हैं वो करें. मैं हाफ़ज़े पर फोकस नहीं करता. तो मेरे पास जाके आपका बच्चा सक्सेसफुल नहीं होगा. अगर आपको डेंटिस्ट बनाना है अपने बच्चे को, तो आप इंजीनियरिंग स्कूल में नहीं डालेंगे ना, तो मेरे स्कूल में आप ना आए. मैं तो लीडर बनाना चाहता हूँ. अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा फ्यूचर का ईदी बने, प्राइम मिनिस्टर बने, वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आला बने, तो आ जाएं. अगर बहुत सारे लोग नहीं चाहते, 99% लोग नहीं चाहते, वरना क्रिकेटर को थोड़ी बनाना पड़ता. नहीं चाहते ना बनाना. मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन आप इमेजिन तो करें कि आज भी आपके पास 10 कौन लोग हैं जिनको आप वोट दे सकते हैं, इनको वज़ीर आज़म बना दो. नहीं है ना? क्यों नहीं है यार? 250 मिलियन में ऐसे आदमी नहीं है क्या? हैं, सामने नहीं आ रहे, छुपे हुए हैं. एक्सीडेंटली प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं सारे. ट्रंप खड़ा हुआ, यार मैं बन जाता हूँ, बन गया, मेहनत करी बन गया. तो हम ये एक्सीडेंटल जो सिस्टम हो रहा है, फिर ये इसी तरह का मुल्क रहेगा. आज आपको फोटोशॉप आता है, आप एक्सपर्ट हैं, आप $100,000 एन आवर लेते हैं. ChatGPT 5 या 4.0 जो अभी आया है, इसका एक नया AI ऐप रिलीज़ होने वाला है, वो आपके कंप्यूटर पर बैठा रहेगा, आपको एक एक बटन बताएगा क्या करना है. आपको कुछ नहीं आता तो आपको एक एक स्टेप बताएगा. आपके फ़ोन अभी एक आप गूगल कर लें, इट्स कॉल्ड अ फ्रेंड, इट्स अ डोंगल, $70, 200 दिरहम का डोंगल है, गले में टांग लें, हर बात सुनेगा,
हर वक्त में हर चीज़ की एडवाइस बटन दबाएं, इसी तरह से एडवाइस देगा, आपने ये गलत बोला है, आपने शरई गलत बोला है, आप झूठ बोल रहे हैं, हर चीज़ बता रहा होगा. आई मीन द वर्ल्ड विच इज़ कमिंग इज़ वेरी डिफरेंट. ठीक है जी, हम एक ही गाय पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कराते हैं. मुझे नहीं मालूम आप किस चीज़ में अच्छी हैं. मैं आपको 120 चीज़ें दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ. आप डॉक्टर, इंजीनियर, केमिस्ट के अलावा मैं आपको 120 चीज़ें दे रहा हूँ. ये सेलेक्ट कर लो, मैं तुम्हें इसका मास्टर बना दूँगा, गुरु बना दूँगा. दैट्स व्हाट आई एम ऑफरिंग. दैट्स ऑल. और 90% मैं आपके साथ हूँगा, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ. आई एम नॉट, और मेरी टीम है जो हेल्प आउट कर रही है. आप अगर पाकिस्तान में 20% लोगों को डॉक्टर बना सकते हैं, भाड़ में गया उनका एक ही गाई, वही जाके हार्ट सर्जन बन रहा है, ब्रेन सर्जन बन रहा है, एक ही गाई. लुक, स्कूल सिस्टम इज डिज़ाइन फॉर एवरीवन. ठीक है, स्कूल सिस्टम इज डिज़ाइन फॉर जनरल पर्पस ह्यूमन बीइंग, जैसे टोयोटा हो गई, करोला हो गई, राइट. रोल्स रॉयस इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर. आप कभी कभी रोल्स रॉयस ट्राई करने जाएँ शारजा में, हम बच्चों के साथ गए थे ट्राई करने, लगता है कि कोई अलमारी चला रहे हैं. इतनी पैथेटिक गाड़ी है कि मैं बता नहीं सकता आपको. उससे अच्छी हमारी आजकल की किया होगी. हाँ, लेकिन रोब उसका बहुत है. हो रोल्स रॉयस भाई, ज़रूरी है. सो लुक, आई एम ऑफरिंग अ वेरी यूनिक थिंग. आप मुझे स्टडी करें. आई एम नॉट समबडी हु जस्ट केम आउट ऑफ द ब्लू. मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, 12,000 वीडियो पढ़ी हैं, एक एक चीज़ समझा चुका हूँ. ये है स्कूल के, आपने गुरुकुल का वर्ड समझते हैं. मुझ पर ट्रस्ट है तो बच्चा दे दें, नहीं है तो ना दें. वेरी सिंपल. जैसे रिश्ता करते ना, देखिए रिश्ता जो है ना CV पे नहीं होता, देखी जाती है, लेकिन बाद में गड़बड़ी निकलती है कुछ. तो आप, मैं तो ओपन बंदा हूँ, मैं बाद में की बात ही नहीं कर, मैं देखा अभी चेक कर लें भाई. सो दिस इज़ व्हाट आई एम ऑफरिंग. आई एम नॉट ऑफरिंग फॉर एवरीवन. इट्स नॉट अ जनरल पर्पस स्कूल. होगा ये कि हमारी लर्निंग्स, फॉर एग्जांपल अभी हमने किताब रिलीज़ की है, जो हमारे साथ जो मेरी कोर राइटर है वो मेरी स्कूल की स्टूडेंट है. वो जनरल पर्पस किताब है, हर स्कूल में हम फिट कर देंगे. कल परसों मेरी सेक्रेटरी एजुकेशन पाकिस्तान से, फेडरल से, मैंने पॉडकास्ट किया, आप देख लें. वी विल ऑफर इट टू देम ऑल्सो. एवरी वन कैन टेक वट एवर. हमने जो सीख रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं आप भी अपने स्कूल में प्लग इन कर लेना. आप चाहती हैं कि मेरा स्कूल में, मेरा बहुत ज़रूरी है फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर आएँ, तो आप पढ़ाते रहें, एक प्लग इन कर लें, एक नया सब्जेक्ट. सो अगेन, इट्स नॉट फॉर एवरी वन. हमारे स्कूल में इनका बच्चा जा रहा है, आई डोंट नो हाउ हैप्पी शी इज़. मैं आज पहली दफ़ा इनसे मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मैंने 1.5 साल में जो अपने बच्चों में तब्दीलियाँ देखी हैं, वो मैंने कभी नहीं देखी. और मुझे 15 साल हो गए लोगों को समझाते हुए, नहीं समझते लोग. तो इसलिए मुझे कल ये कह रहे थे कि पता नहीं किससे मिलवाना है. मैंने कहा भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे किसी से नहीं मिलना, मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ. ये बात मान लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और कर डालते हैं. बड़ों का प्रॉब्लम यह है कि मैं अगर आपसे जापनीज़ बोलना शुरू कर दूंगा, आप कहेंगे नहीं भाई ये तो सर पैर इसका सही नहीं है, मुझे तो उर्दू में अच्छा कुछ सिखा दो. सो इट्स नॉट फॉर एवरीवन. अगर आपके दिल को अच्छा लगता है तो रिश्ता दे दें, और अगर दिल को नहीं भाता तो रिजेक्ट कर दें, या इंतज़ार कर लें, मंगनी करके छोड़ दें 6-7 साल के लिए. अच्छा लगेगा तो रिश्ता करा दीजिएगा. वेरी, इट्स अ वेरी ट्रस्ट वर्दी रिक्वेस्ट. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. सो इट्स नॉट फॉर एवरीवन, इट्स डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. और मैं अभी इसको चेंज करने के, मतलब मैं 1,000 स्कूल खोलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ 1,000 बच्चे पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूँ. आई होप इट मेक सेंस. हम ओसो जी कराते हैं रोज़. ओसो जी का लफ्ज़ सुना है आप लोगों ने? ओसो जी कहते हैं भी सफाई करने को. अगर मैं बोलता भाई आज आपने टॉयलेट धोना है, सब नाराज़ हो जाते. तो हम कहते हैं भाई ओसो जी करेंगे. ओसो जी जापानी वर्ड है. वहाँ हर स्कूल में हर बच्चे को रोज़ाना की बेसिस पे 1 घंटा सफाई करनी होती है. तो हमने कहा ये तो सफाईनेस भी मान है, हमें भी कराना चाहिए. तो हमने कहा भाई ओसो जी करेंगे. अच्छा भाई ओसो जी सब मान गए. जब मैंने बोला बाथरूम धोना होगा, सब ने कहा हम तो स्कूल से रिज़ाइन कर देंगे, नहीं आएंगे. बट सम टाइम, जैसे इन्होंने कहा एक ही गाय क्या, खुद को तलाश करना, खुद ही अपने आप को तलाश करने को एक ही गाय कहते हैं. एक तरह से 5 चीज़ें अगर मैच करती हैं तो एक ही गाय. आपको मज़ा आता हो, लोगों को उसकी ज़रूरत हो, उससे आपके पैसे बन सकते हो, लोग उसको वैल्यू दें, और इट्स अ फोर्थ थिंग, दैट्स एक ही गाय. सो देर इज़ अनदर वन. चले नया आज मुझे भी सीखने को मिल गया. तो इट्स देर आर सो मैनी वेज टू अल्लाह ताला तक पहुँचने के, पैसे कमाने के, सक्सेसफुल होने के बहुत सारे तरीके. मैं उनमें से एक छोटा सा ऑफर कर रहा हूँ. सो आई होप, जब मैं लंदन गया, लंदन में अंग्रेज़ों से बात करी, तो ना उनको अल्लाह वाला पता था, ना उनको रेहान पता था, ना उन्होंने 12,000 में से कोई वीडियो समझ नहीं थी, क्योंकि सब उर्दू में थी.
वो मुझे नहीं जानते थे, तो मैंने उनके लिए बूट कैंप डिज़ाइन किया कि आप 2 महीने के लिए मुझे बच्चा दे दें, उसमें से भी 10 में से 2 मुझे लगता है कि ठहरेंगे, बाकी चले जाएंगे। तो इसलिए बूट कैंप बनाया है, टीचरों का भी बूट कैंप है इस वक्त, बच्चों का भी बूट कैंप है सर, 2 महीने का है, उसमें आ जाएं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है, फीलर आ जाएगा। जैसे हम फूड कोर्ट में जाते हैं ना, भाई ये चिकन ट्राई कर लो, वो है। दूसरा, हम 1 हफ्ते के लिए अलाउ करते हैं आप अपने बच्चे को और ख़ुद भी स्कूल में बैठ जाएं, आके जूम खोलें और बैठ जाएं, 1 हफ्ते तक देखते रहें, क्या बोलना नहीं है, बस ऑब्जर्व करें। और अगर जूम के अंदर नहीं आना चाहते तो हर क्लास लाइव होती है, तो आप कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जो मैं कुछ छुप के कर रहा हूँ, तो आप उसको जाएं प्ले करें, देख लें, 1 साल पुरानी देख लें, 1 साल हमारी जो स्कूल की क्लासें हैं वो तक असेंबली तक लाइव होती है। सो वी वांट पीपल टू कॉपी। मैं कल अपने टीचर को समझा रहा था, हम सारे क्रिकेटर क्यों बने हैं, कितने एकेडमी, पूरा बॉल यूँ फेंका जा रहा है, यूँ फेंका जा रहा है, हर चीज़ लाइव हो रही है, 8 घंटे तक लाइव बैठे हुए लोग, भाई मैच हो रहा है, देखे जा रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी ने मैथ्स लाइव नहीं पढ़ाई, इंग्लिश लाइव नहीं पढ़ाई है। भाई क्यों नहीं पढ़ाते, पढ़ा देते तो वो सब लोग सीखना शुरू हो जाते। अब पॉसिबल है कि मोबाइल इज़ ब्रॉडकास्टिंग, तो आप उससे, आपको जो आता है आप सिखाएं, एंड मोर पीपल विल लर्न इट। देखिए जी, सबसे पहले क्लास ऑन होती है, उसके बाद 10 मिनट 5 मिनट मुराकबा होता है, फिर 5-10 मिनट योगा होता है। पहले बच्चा 2 हफ्ते तक तो सिर्फ गेम खेलते हैं, रोब्लॉक्स खेलेगा, जो आप मना करते हैं, हम कहते हैं भाई खेलो, उसके अंदर आपके इंटरेक्शन बढ़ती है, दोस्ती बढ़ती है, क्योंकि 4 घंटे टिक के बैठना है कंप्यूटर पे, भाग जाते हैं बच्चे। होमवर्क क्या है, 3rd महीने से बच्चे ने हर रोज़ 1 नए इंसान के साथ 1/2 घंटे इंटरव्यू लेना है, 6 महीने के बाद हर रोज़ 1 आदमी को इंटरव्यू देना भी है, 2 हो गए, 1 साल के बाद हर रोज़ 1 गोरे को इंटरव्यू देना है और 1 गोरे को इंटरव्यू लेना है, 9 पाकिस्तानी अलाउड, 9 इंडियन अलाउड, अलाउड ही नहीं है। और किस, कौन गोरा होगा, जो टेड एक्स स्पीकर है, जो आपकी फील्ड का है, जो गटर वाला है, जो पानी वाला है, जो हुज़ हु ऑफ द वर्ल्ड है, नॉर्मल लोगों से बात नहीं करा रहे, उसके अंदर 1 साल में इतना कॉन्फिडेंस देना है कि वो यहाँ का आपका वो आ जाए बादशाह, तो क्या, हाँ सर कैसे हैं, ठीक चल रहा है सब कुछ, वो सब तरीका हम सिखाते हैं। हमारा काम कुछ भी कराना नहीं है, हमारा काम है आपको फैसिलिटेट करना, इंटरनेट अलाउ करता है कुछ भी सीख लें, लेकिन हमको सीखना नहीं आता है। कोई करोड़पति बन रहा है, कोई कंगला बैठा हुआ है, क्यों, मोबाइल तो सेम है ना, उसको चलाने का सही तरीका हमको नहीं आता है, हम वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको सिखाने से पहले डर निकालना पड़ता है, और डर निकालने के बाद फिर कहीं जाके सीखना पड़ता है। 6-6 महीने तो डर निकालने में लग जाता है, टीचर का, बच्चे का, पेरेंट्स का, पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सिट फॉर 4 आवर्स अ वीक, नहीं तो बच्चा आउट, बहुत सारे इफ़ देन हैं, हम तंग करते हैं, क्योंकि देखें ना, अगर ठीक हो सकता होता तो अब तक 1 साल में चीज़ें क्यों नहीं ठीक हो रही हैं। सो वी ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, इधर से कुछ लिया है, इधर से कुछ लिया है, इधर से किसी, मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है मैं कॉपी कर लूँ, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू सिस्टम जो कि आज के दौर के लिए या आने वाले दौर के लिए हो, अभी वो नहीं है। अगर कोई आपको कह रहे ना मैं कैमरेज करा दूंगा, AI की मदद से ये करा दूंगा, वो सब आपको सिर्फ कहानियाँ दे रहा है क्योंकि AI चला हुआ है, बट दिस इज़ नॉट वट वी आर डूइंग। करिकुलम क्या है, रोज़ाना 1 इंटरव्यू है, 1 TEDx देखनी होती है, फिर उसकी वीडियो बनानी होती है, फिर उसके बाद 1 डॉक्यूमेंट्री बनानी होती है, छोटा सा बच्चे को गाना बनाना होता है, डॉक्यूमेंट्री बनानी होती है रोज़ाना 1 मिनट की। जब वो 350 डॉक्यूमेंट्री साल के अंदर में बनाते हैं ना, यू बना रहा होता है, पहली डॉक्यूमेंट्री में 3 दिन लगाता है, लेकिन AI की मदद से वो, उसका जो हाथ है वो इतना तेज़ी से सेट होगा कि अब वो उसकी सेकेंड नेचर बन जाएगा। दैट्स वट वी आर ट्राइंग टू डू इन द फर्स्ट ईयर, एंड सेकेंड ईयर में फिर उसको पर्पस देंगे कि अब आपने बस इसी चीज़ के ऊपर काम करना है, आप सब चीज़ नहीं करें, ये है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अच्छा आ गया ये ले लो, ये अच्छा आ गया ये कर लो, दिस इज़ नॉट हाउ लाइफ शुड बी। पर्पस के साथ जिए और उसकी ट्रेनिंग लें और फिर उसमें अपना नाम इतना अच्छा करें कि एहसन तरीन इंसान आप उसमें नज़र आएँ, दैट्स द गोल। आप नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क में से कहीं गए? नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क में से कभी कहीं गए? 5 साल के बच्चे को रोड पे लेके जाते हैं, 5 साल, 4 साल, 3 साल के बच्चे को, कि आपने रोड कैसे पार करना है सीखना है, स्कूल के अंदर पहले सिखा दिया, अब रोड पे लेके जा रहे हैं, मेरी जो चीखें निकल गई, ये बच्चा है, यू नो हमारे यहाँ तो क्या होता है, बच्चा बचाओ उसको, नहीं वो बच्चा आराम से जा रहा है,
राइट व्हाई, क्योंकि उसको पता है कि करना क्या है, हमने क्योंकि ट्रेन नहीं किया। आप उसको बेवकूफ समझ रहे हैं, वो बेवकूफ नहीं है भाई, वो हमसे 10 गुना तेज है। हाँ, ऑनलाइन के अंदर भी इंटरनेट एक समंदर है। मैं बच्चे को VPN लगा के वो पता नहीं क्या क्या कर जाएगा, करना होगा। सबसे ज़्यादा जो मैं हैरत ज़्यादा हुआ वो ये हुआ कि जो बच्चे गेम्स पे एडिक्ट थे, पबजी लगे हुए, उन्होंने पबजी छोड़ दिया। मुझे तो अभी तक खुद समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ है। शायद उनके दोस्तों की वजह से, शायद उनके इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि उनके दोस्त बन गए ना, सारा काम गेम जो है ना वो दोस्तों का है। दोस्त कैसे हैं, तो हमारा जो सारा फोकस है वो दोस्त कौन है हमारे। अगर दोस्त अच्छे हैं तो गड़बड़ हैं तो फिर हम बहुत सख्त नज़र रखते हैं कि भाई ये बच्चा गड़बड़ कर रहा है, इसके ऊपर अब इसकी क्लास होगी। नज़र हर चीज़ पब्लिकली इसीलिए कर रहे हैं कि हम नज़र रख सकें। और मैं एक जगह नहीं बैठता, मैं भागता रहता हूँ, तो मुझे नज़र रखनी है सबके ऊपर। मैं बहुत खचल ख्वार हुआ हूँ लोगों को कि भाई तुम खुदा के वास्ते इतने सक्सेसफुल हो, लोगों के सामने आओ ना यार, छुप के क्यों बैठे हो। नहीं यार, दिखावा हो जाएगा भाई। कहाँ से दिखावा हो जाएगा, किताब लिखते हो तो दिखावा होता है कोई। बताओ ना सबको कि मैं अच्छा हूँ, खाली ख़राब चीज़ें सुबह से शाम तक, देखो ना इसने ये कर दिया, देखो ना उसने कर दिया। सारा टिकटॉक इंटरनेट भरा हुआ है, गटर का ढकना मिसिंग है। अरे भाई, जो गटर के ढकने लगे हुए उनकी भी तो खबर बना दो यार। मुल्क चल तो रहा है, 250 मिलियन लोग जिंदा हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दिवालिया तो नहीं हुआ, चल ही रहे ना किसी तरह से, कोई ना कोई तो चला रहा है उसको, उसको अप्रिशिएट कर दो। तो ये इस वजह से मैंने ज़रा परहेज़ किया ऐसे पेरेंट्स से, बड़ों से, भाई आप लोग प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। जैसे मैं आपको अपने स्कूल का बता दूं, एक साल पहले मैं स्कूल इत्तेफाक से चला गया, तो वो एक टीचर बैठी हुई लिखना सिखा रही थी। अब लिखना तो आप सब कहेंगे बहुत ज़रूरी है, तो मैंने उनसे पूछा, बहुत अच्छा काम करी, क्यों सिखा रही हैं? सर वो एक पेरेंट आए थे, उन्होंने कहा बच्चे को लिखना नहीं सिखाती। मैंने कहा अच्छा, आपने ये बताया लास्ट तीन साल में आपने कौन सी चिट्ठी लिखी है हाथ से? कहते सर कोई भी नहीं लिखी। तो मैंने कहा क्यों सिखा रही हैं? सर वो पेरेंट आए थे। मैंने कहा भाई ये बच्चा पकड़ें, उसके पेरेंट के हाथ में दें, कहें ना भाई ले जाओ, बराबर में 9 स्कूल हैं, सब जगह दाखिला कराएं, बेहतरीन राइटिंग होगी। हमारे पास नहीं है ना, हम नहीं सिखाना चाहते। आप क्यों आ रहे हैं? हम आपको पहले बता रहे हैं हम ये सिखाएंगे, ये सिखाएंगे। मैं आपको फिर गुजारिश करूँगा, डेंटल हॉस्पिटल में जाके घोड़ा ठीक करना तो नहीं सिखाएगा ना कोई। तो ये एक ख़ास पर्पज़ के लिए स्कूल बनाया है, उसके लिए आप देना चाहें दे दें, नहीं देना चाहें नो प्रॉब्लम, मैं तो आपके साथ गप्पे मारने आया था। फैसिलिटेटर ने सबसे ज़्यादा मुश्किल क्रिएट करी हुई आज तक, वो अभी भी छुप के पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मना करते हैं भाई इनको नहीं पढ़ाना है। नहीं नहीं सर, काम आएगा ना, डिग्री के बगैर जिंदा कैसे रहेगा, उसका सांस बंद हो जाएगा, क्या करे वो भैया, सारी ज़िंदगी यही देखा है तो क्या। इसलिए मैं कम पढ़े लिखे लोग रखता हूँ। अब जाके मैं ढूंढ रहा हूँ पिछले एक साल से कि कोई अल्लाह का बंदा मुझे CEO के तौर पर मिल जाए, मेरा स्कूल चला ले। क्योंकि अब 250 लोग हो गए, पहले तो 20 थे, मैं संभालूँ कैसे? किसी के पेट में दर्द है, किसी के नाक में दर्द है, वो सारे मसाइल भी तो है ना, मैनेजमेंट के इश्यूज़ बहुत सारे आ रहे हैं मुझे। और मेरा इस वक्त कम से कम 25 लाख रुपए महीना जेब से जाता है, पिछले 3 साल से वो ज़ाया हो रहा है सब। क्यों? इसलिए कि लोग पढ़े लिखे ले आओ तो अपनी मर्जी लगाने लगते हैं, जाहिल लाओ तो आता कुछ नहीं है। बहुत अजीब कन्फ्यूजन का शिकार हूँ मैं, क्या करूँ? कुछ कोई मशवरा दे दें आप लोग। जैसे ये पढ़े लिखी हैं, 3 डिग्री हैं, इनको हाथ जोड़े खुदा के वास्ते फैसिलिटेटर बन जाओ। मसरूफ़ हैं, मसरूफ़ हो जाते हैं ना, ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते लोग, क्या करें जी। पार्ट टाइम भी मैं पैसे दे के पढ़ाता हूँ जी, आपने कुछ नहीं करना, हमसे तनख्वाह ले लें, 6 महीने तक आप खामोशी से बैठ जाएं, सीख लें, मेहरबानी होगी। फिर चीखना शुरू कर देती हैं, हम पाकिस्तान के गरीब आदमी हैं, मेरे लिए तनख्वाह देते हैं, आ जाएं। मेरा फोकस बच्चों पे है, और मैं बड़ों को कह रहा हूँ कि आप मेरा टीचर का कोर्स कर लो, क्योंकि मेरी बातें ज़्यादातर को समझ नहीं आ रही हैं। तो मैं कहता हूँ आप टीचर बन जाओ, अपना स्कूल खोल लो यार, मैं स्टूडेंट भी ला दूंगा आपको। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे नहीं मैं रेहान भाई आपसे 20% एग्री करता हूँ, ठीक है ना, तो बाकी 80% वो शायद आपसे एग्री कर लें तो आपके स्कूल में डाल दें। मैं तो पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म करना चाहता हूँ, दैट्स माई अल्टीमेट गोल, मेरा स्कूल चलाना गोल नहीं है। ये एक टूल मिला है कि बच्चे मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं मैं 10 साल से सुन रहा हूँ, तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं जानता हूँ, तो क्यों नहीं जानता हूँ यार? ऐसा हम 2 बिलियन मुसलमान हैं, बात नहीं मानते ना, नाम के मुसलमान हैं। इसी तरह नाम के फ़ैन मेरे पास 14 मिलियन हैं, तो वो नाम के फ़ैन का मैं क्या करूँ? मुझे तो अच्छे वाले पंखे वाले चाहिए ना, इसमें हवा भी आती हो। इसलिए ये बात मान लेते हैं, इसलिए मैं इन पर अब कोशिश कर रहा हूँ काम करने की, और मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि ये लोग बात ज़्यादा सुन लेते हैं। बड़ों के मसाइल हैं, हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं, शादी करनी है, नौकरी चाहिए, बहुत सारे मसाइल हैं।
अम्मा ने ये कह दिया, नानी बीमार हो गई, इनका कुछ नहीं होता, इनकी तो अम्मा पकड़ पकड़ के चलो स्कूल जाओ। तो मुझे डबल फ़ायदा हो रहा है कि ये सुन लेते हैं बात, इसलिए जल्दी सीख रहे हैं। अब मैं एक बच्ची है, उसने 450 इंटरव्यू करे हैं एक साल में, उसमें से 250 गोरे हैं, और एक साल पहले अंग्रेज़ी भी नहीं बोलती थी वो। मतलब ऐसे ऐसे हैरान कौन है। अभी जो पहले बैच के बच्चे हैं उसमें से 3 ऑस्ट्रेलिया में इंटर्नशिप कर रहे हैं, 2 लंदन में करके बैठे हैं। 3 घंटे की इंटर्नशिप हम ज़बरदस्ती अब करा रहे हैं, या काम करो बेटा, $100 मिल रहे हैं। देखिए मॉडल क्या था शुरू में, कि 27 मिलियन बच्चा स्कूल नहीं जाता, यहाँ तो सब स्कूल चले जाते हैं ना, अमीर लोग रहते हैं। पाकिस्तान में तो 1000-2000 रुपये का स्कूल होता है। कितने धर्म हो गए अब उसका स्कूल में आप अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे। उस स्कूल को अच्छा करने का मैंने प्लान ये बनाया कि मैं बच्चे को एक साल में इस लायक बना देता हूँ कि तुम्हारा बच्चा $100 30,000 रुपये कमाने शुरू कर देगा एक साल के बाद। और वालदैन पागल हो गए, हैं हम तेरे पैसे तो हम भी नहीं कमाते, बच्चा कैसे कमाएगा, चलो ट्राई कर लेते हैं। तो आ गए, पैसों के लालच में आ गए, कुछ रहे कुछ चले गए। अब जब वो एक साल के बाद कमाना शुरू हो गए हैं तो हम कहते हैं आधे हमारे हैं आधे तुम्हारे, 15,000 हमें दे दो, फीस नहीं ली तुमसे हमने, 15,000 तुम रख लो। अब मैं कहता हूँ ये मॉडल आप लोग भी कॉपी कर लें। 15,000 रुपये महीना तो इस वक्त स्टेप स्कूल की फ़ीस नहीं है, जो कि बहुत अच्छा स्कूल है कराची में, पाकिस्तान में, तो वो 10,000 रुपये लेता है। तो जब ये मॉडल सक्सेसफुल हो जाएगा तो सब लोग कॉपी कर लेंगे, और ये जो इतने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की हैं वो आ जाए, ये ठीक हो जाएंगे, प्लस स्कूलों की क्वालिटी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि अभी वो 1,000 रुपये दे रहा है, 12 नहीं खाता ना, अच्छा टीचर कहाँ से रखेगा, टीचर को 5,000 रुपये 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, तो उसमें टीचर कहाँ से अच्छी आएगी। अगर 15,000 रुपये बच्चा देना शुरू कर दे, 25,000 रुपये देना शुरू कर दे, 50,000 देना शुरू कर दे, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ 8वीं का बच्चा $500 कमा लेगा, 1.5 लाख रुपये, उसमें से 75,000 आपके हैं, 75,000 स्कूल को दे दें, तो स्कूल बहुत अच्छी क्वालिटी का हो गया, अब एक्चुअल गेम शुरू होगा। तो और स्कूल आप कॉपी करेंगे उसको, और उसको रेप्लिकेट करके अच्छे अच्छे स्कूल, ख़राब स्कूल अच्छे स्कूलों में कन्वर्ट हो जाएंगे। 105,000 स्कूल हैं पाकिस्तान में प्राइवेट, 1,05,000, और अगेन ओपन सोर्स करने का मकसद यही है कि आप लोग कॉपी करें, अगर अच्छी अच्छा चीज़ लग रहा है, पहले कोई थोड़ा करेगा, फिर उससे ज़्यादा करेगा, फिर उससे ज़्यादा करेगा। मेरा रिजल्ट नहीं आया अभी, तो मेरा पौधा निकला है, शुरू हुआ है, तो आप मुझसे एक्सपेक्ट ना करें कि मैं कोई मिरेकल वर्क करूँ। आई एम जस्ट नॉर्मल पर्सन लाइक यू गाइस, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और आई फेल्ड मोर, सो चांसेस ये हैं कि शायद अब के चल जाए, नहीं तो फिर आप माफ़ी मांग लूँगा आपसे। अगर मैं आज कहूँ मुझे बीकन हाउस की प्रिंसिपल चाहिए, एक्स बीकन हाउस, तो 2.5 लाख रुपए से शुरू होती है, नॉर्मल प्रिंसिपल 35,000 शुरू होती है। अब वो बीकन हाउस से आके कहती है मुझे सब आता है, एक टीचर है मैं उसको पिछले 6 महीने से हायर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आज बड़ी मुश्किल से राजी हुई है, 2 लाख रुपये लूँगी, 4 घंटे दूँगी मैं, अच्छा भाई आ जाओ। तो टीचरों का फुकदान है इन जनरल, अच्छे लोग आपको चाहिए, ढूंढने पड़ते हैं। 5वीं के बच्चे को मैं कैसे अभी तैयार करूँ, मेरा बच्चा 5वीं से 6वीं में तो आने दें, 7वीं में आने दें, 8वीं में आने दें, फिर मैं मैट्रिक की तैयारी कर लूँगा, उम्मीद करता हूँ जब तक सिस्टम कोलैप्स हो चुका होगा 4 साल के बाद, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ और नया आ गया होगा। सबसे पहले तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि जैसे आपने ये स्कूल बनाया, आप ये कहते हैं कि मुझे 1000 किड्स चाहिए, लेकिन आप कितने, मैंने 1000 किड्स बनाने पढ़ाने हैं, yes. चाहिए नहीं है अभी, अगर आप मुझे एडमिशन मांगेंगे भी तो मैं कहूँगा अभी ना लो, अगले साल आ जाना। ओके, मींस आपके पास, मेरे पास 250 बच्चे आ चुके हैं, उनको मुझे पढ़ाना है, ठीक है, उसमें अभी आपके पास और स्लॉट नहीं है, नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हमने 1000 रुपये शुरू किया, हम फीस बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, हम इतनी फीस बढ़ाते जा रहे हैं कि बंदा कह चीख मारे क्या यार तुम क्या कर रहे हो, हम क्या भाई इतने ले रहे हैं, नहीं तो जाओ। लेकिन जैसे वो एयरलाइन की फ़्लाइट होती है ना, आखिरी सीटें बड़ी महंगी देते हैं, बस हम भी वही कर रहे हैं, ठीक है यानी कि वी आर लेट कमर्स ना, यू कैन से, नहीं जैसे मैडम है इनकी फ़ीस नहीं देती, ठीक है, इनकी फ़ीस 1000 रुपये महीना है, वो भी नहीं देती, ठीक है, या शायद देती हूँ मुझे नहीं मालूम। लेकिन कुछ ऐसा हम लोग अगर कुछ यानी कि कोई पेरेंट्स देखना चाहें कि ये इस टाइप का कुछ बाउंड्रीज नहीं होंगी, लेकिन कुछ ऐसा मेन करिकुलम के भी, जैसे हमारा पूरा करिकुलम rehanschool.net पे फुली पब्लिश्ड है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, किताबें छाप सकते हैं, हमसे ऑर्डर करवा सकते हैं, अपने स्कूल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। और कुछ आपके पास ऐसे भी लोग हैं जो अफर्ज करें, एक बंदा लाहौर शेखपुरा या फैसलाबाद में खोलना चाहता है स्कूल आपका, हम आपको फैसिलिटेटर दे देंगे कि वो जाके आपके टीचरों को ट्रेन भी कर देगा, समझा भी देगा, आप अपना बंदे को ऑनलाइन भी ट्रेन करवा सकते हैं,
जो हमारे पास है हम देने को तैयार है। एंड व्हाट विल बी दैट कॉस्ट? बंदा अगर आप फिजिकली बुलवाएंगे तो उसको आने जाने का किराया देना होगा, उसकी जो डेली की फीस होगी वो देनी होगी, 20,000 रुपये रोज की तकरीबन उसकी फीस है। okay. अगर आप उसको मंथली कोर्स कराना चाहते हैं तो 2 से 4 घंटे रोज की क्लास होती है, 25,000 रुपये महीना हम ट्रेनर टीचर ट्रेनिंग के चार्ज करते हैं, 6 महीने का कोर्स है। एंड फिर वही बात, और अगर हम फर्स्ट करें यहाँ पे जो यूएई में है हम लोगों के लिए शायद मे भी ये थोड़ा इजी रहेगा, तो हम लोगों के लिए जूम पे है ना सब कुछ जूम पे, तो उसके लिए भी हमें वी हैव टू पे दिस मच अमाउंट? और आप यूएई में हैं तो हम डबल चार्ज करेंगे। ओके ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक हो गया। और अगर आपकी उम्र 18 से ज़्यादा है तो फिर डबल चार्ज करेंगे। ओके एंड इफ somebody wants to come as a means आपके साथ जो है फैसिलिटेटर, पहले ट्रेनिंग ले लें, समझ क्या फैसिलिटेट करेंगे। अगर आपको कंप्यूटर चलाने ही नहीं सही आ रहा, खुद ही साल आपको साल लगना है ठीक होने में, पहले आप सीख तो जाएं फिर आ जाएं ज्वाइन कर लें। हर पेरेंट को हम ज़बरदस्ती 4 घंटे बिठाते हैं, अगर आपका बच्चा आता है तो पेरेंट फ्री में आके बैठता है, नो चार्ज, लेकिन उसने आना लाजिम है, 4 घंटे हफ्ते में आना है, उसको वही सब पढ़ाते हैं जो टीचर को पढ़ाते हैं, और नो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। क्योंकि बच्चा सीख जाता है, पेरेंट को सिखाना सर का दर्द है, बहुत तंग करता है वो, इसलिए कहते हैं बच्चे को, आप बच्चे को कहते हैं अपने अब्बा को पढ़ाओ, पुरानी हड्डियाँ जो भी है। और सवाल? आई बिलीव दैट्स एनफ फॉर मी। मेरी 4.5 घंटे की पॉडकास्टें इस स्कूल के ऊपर गोरों नीलों पीलों के साथ पड़ी हुई हैं, आप एक एक चीज़ सुन सकते हैं, मैं कुछ नहीं छुपाता हूँ। आई हैव नो एजेंडा कि मैं इसके अंदर कोई सीक्रेट है कि आप हाइड कर लें, आई विल बी वेरी हैप्पी कि आप कॉपी करें, लेकिन मेरे दर्द सर के दर्द ना बने कि जी रेहान भाई आप ही नहीं करके देना, भाई मैं क्यों करके दूंगा, आपको प्रॉब्लम है आप सॉल्व करें। क्योंकि रेहान भाई मैंने बहुत से लोगों को, जैसे मैं अभी फ्रॉम 1.5 ईयर अराउंड 1 ईयर से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ जी, तो मैंने कुछ लोगों से कहा, सॉरी टू से, अब ये माइंड ना कीजिएगा मे बी इफ इट्स बीइंग रिकॉर्डेड, नहीं बिल्कुल, तो वो कहते हैं रेहान भाई बहुत लंबा आंसर करते हैं, समझ रहे ना, तो मैं आपके सामने डायरेक्ट लाइव हूँ, आप छोटा आंसर ले लें, हाँ, आपके बड़ा आंसर, क्योंकि वो ये आप छोड़े ना लोगों को, जैसे अभी हम आप लोग या नहीं, मैं हूँ आप डायरेक्ट बोलो, मैं हाजिर, दिस इज व्हाट मींस दैट आई अप्रिशिएट योर कोऑपरेशन एंड थैंक्स फॉर, लेकिन आप शर्माए नहीं, सवाल कर डालें, वो लोगों के पास फिर ना चले जाएं, क्योंकि आपको फिर मिसगाइड कर देंगे वो। ओके आपके सामने बैठा हूं, बाद में कहेंगे फोन पे बात करनी, मैं नहीं करूंगा आपसे, ब्लॉक कर दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बच्चों पे फोकस करना चाहता हूं, मैं बड़ों पे फोकस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो दिमाग खाते हैं, करते कुछ नहीं। अगर कोई बात बुरी लग गई हो किसी को भी यहाँ पे, तो मैं मुर्गा बनने को तैयार हूँ, माजर करने को तैयार हूँ, हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि जो कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाब जरूर।